وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد

बल्कि तमाम दुनिया के मुसलमानों को एक लड़ी में पुरोने का अल्लाह ताला का इंतज़ाम है इस्लामी वहदत के बग़ैर तमाम मुसलमानों के अंदर इंतशार और खलफशार की सारी सूरतें पैदा हो सकती हैं इस्लामी वहदत का क़ुरान सुन्नत में जो तसूर है नहायत वाज़ है वहदत की बुनियाद किताब सन्नत पर है जैसे कि अभी आ, आयत में बात अल्लाह ताला ने कही है फरमाया मुसलमानों अल्लाह की रस्सी को सब मिल के मजबूती से थाम लो और जुदा जुदा ना हो जाओ और याद करो जब तुम तबाही के दहाने पहुँचे हुए थे लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई और तुमको भाई भाई बना दिया और तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया ये है इस्लामी वहदत का तस्वर आयत में दो हिस्सा है पहला हिस्सा वहदत का ये है कि मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि आपस में सब मिल के बग़ैर किसी शज़ूर और इंतशार के अल्लाह ताला के दीन पर क़ायम हो जाएं ये इंसान का अमल है पहला अमल है एहताम का एहतसाम का मतलब होता है किसी चीज़ को इस तरह से मजबूती से थाम लेना कि उसमें फ़ और कमज़ोरी ना हो और इससे दीन को मजबूती से थाम लेने में इंसान के अंदर दिन शुरू न को समझना उस पर कायम रहना और आपस में मिलजुल के रहने के जो सही तकाज़े हैं उसको पूरा करना सब दाखिल हैं और इसमें वहदत के लिए जो तालीम है उसको सही तौर पर जानना उस पर अमल करना दूसरा हिस्सा यह है कि जब एक मुसलमान ये सबूत दे दे कि उस सिंसयरली और पूरी संजीदगी के साथ और पूरे दिलो दमाग की आमादगी के साथ दीन की वहदत के लिए तैयार है और एतदी वमली तकादों को वहदत के लिए पूरा कर रहा है तो उस वक्त फिर दूसरा हिस्सा वदत का ये है कि अल्लाह ताला की मदद आती है अल्लाह ताला दिलों को जोड़ देता है और सब भाई भाई हो जाते हैं ये दूसरा पार्ट हुआ यानी इतिहाद इतना सेंसिटिव मसला है इतना ख़ास मसला है कि जब मकमल तौर पर इंसान अखलास के साथ और पूरे शौर के साथ और तमाम एतक़ादी और मली इतवाज़ों के साथ आपस में मिल जाते हैं दिलों में नफ़रत नहीं रहती है कुदूरत नहीं होती है सब भाई, भाई भाई बन जाते हैं और सब एक यूनिटी की जो बेहतरीन मिसाली शक्ल होती है उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं तब तो अल्लाह ताला की मेहरबानी खास तौर पर होती है और इंसान के दिलों को जोड़ देता है यह दूसरा अमल हुआ वहदत का यानी इस वहदत के लिए इस्लामी वहदत के लिए इंसान की अपनी मेहनत होती है अपने वहदत के लिए इंसान के खाली शामल के नतीजे में अल्लाह ताला की जो नेमत होती है और मेहरबानी होती है वो अपना काम करती है तो दोनों तरफ़ से मुकम्मल मिसारी वदत के लिए दोनों अमल ज़रूरी है इंसानी अमल है और अल्लाह ताली की महरबानी व करम फरमाई है ये दोनों चीज़ें इस्लामी वहदत को बनाती उठालती हैं इंसानी वदत के लिए फरमाया कि एहतसाम है उसमें चार अमल है एहतसाम है मजबूती है अल्लाह की शरीयत तो दीन है और फिर सब को मिलकर करना है और किसी तरह के कोई तफरक नहीं होना चाहिए यह होता है इंसान की मेहनत का नतीजा इसमें देखिए इंसान की सारी मेहनतें और कोशिशें आ जाती हैं इंसान की जितनी ज़हनी फिक्री अमली कौली आपस में ताउन मेहनत कोशिश जो भी हो सकती हैं सारी मेहनतें आ जाती हैं और तफसील में जाइए तो बुनियादी तबर इस्लामी वहदियत के लिए इंसान जो कोशिश करता है उसमें चार अमूर पाए जाते हैं अल्लाह की किताब को कोसास बनाना और इसको असास बनाते हुए और अल्लाह ताला की रजा को हासिल करने के लिए अल्लाह की शरीयत व तो तस्लीम करते हुए सबसे इसके बाद बड़ा मसला आता है बरा का पहली बुनियाद होती है किताब सुन्नत की वेला बरा की वेला बरा का मतलब भी होता है जो दीन का है वो हमारा है जो दीन का नहीं है हमारा नहीं है इसमें वो तमाम मुसलमान वजत के लिए जो कोशिश अगर करना चाहते हैं तो उसमें तासुब छोड़ना पड़ता है बेदीनी छोड़नी पड़ती है इखलास को कबूल करना पड़ता है दीन के लिए हम कुर्बानी देनी पड़ती है शर्क बिदात नफरस्ती बातलफकार ख्यालात जो भी दीन के मुखालिफ हों वो तो सबको छोड़ना पड़ता है और साथ ही साथ अपने हों या गैर हों जो भी अल्लाह के नहीं हैं उन तमाम चीज़ों से इंसान को दस्तबरदार होना पड़ता है इंसान की अपनी जाती अहसास और जज्बात को खालिज करना पड़ता है इंसान को अल्लाह के लिए मोहब्बत अल्लाह की अल्लाह रसूल की केताात अल्लाह रसूल की मोहब्बत को अपनाना पड़ता है ख़ास तौर पर यह जो अमल होता है विलाअलबरा का इसमें बाहमी ताउन होता है तोल्ला होता है अल्लाह से उम्मीद होती है अल्लाह की रज़ा के हसूल का जज्बा होता है इसमें इनाबत होती है और इसमें दीन पर पाबंदी इस्तकामत पाई जाती है तब जाकर के वेला और बरा का मसला हल हो पाता है अगर मुस्लिम समाज माशरे में शख्सियत परस्ती है अगर मुस्लिम माशरे में तसब है हिज्बीत है या दुनिया की जितनी इस वक्त एतदी वमली खराबियाँ मौजूद हैं और आदमी उससे हटना नहीं चाहता है और ये फिर भी ये दावा करे कि हम इस्लामी वहदत के लिए कोशिश करते हैं इस्लामी वहदत हमारे हम के लिए हम लोगों को बुलाते हैं तो ये झूठी बात होगी इसको वहदत नहीं कहा जा सकता है इस्लामी वहदत के लिए ज़रूरी ये है कि जब पहली शर्त पूरी करें और आप ये ऐलान कर सकें आपके अंदर इतनी तोानाई हो आपके अंदर इतनी ताकत हो और आपके अंदर इतना दीन पर अमल करने का जोश जोशो जज्बा हो कि ऐलान कर सकें या अपने आप को तैयार कर सकें कि कभी हम दीन के मुखालफन को जो दीन की असासी तलीमत हैं तोहीद है या मुसलमानों की जो हैसीत है उनके मफादात के मसाले के दी और दुनियावी मसाले मफादात के तहफ़ का मसला है वो तमाम चीज़ें या अल्लाह रसूल के अतद का मसला है इन तमाम चीज़ों में हम किसी तरह अपने या गैर के जो इसकी मुखालफत करें उसकी हमायत नहीं कर सकते हैं ये पहली हुई शर्त या पहली अहसास या पहला तक वहदत का यह हुआ जो अल्लाह का है वो हमारा है जो अल्लाह का नहीं है वो हमारा नहीं है अगर इस रोशनी में और इस एहसास पर ये इस तकाज़े पर हम देखें तो आज इस्लामी वहदत के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है आज देखिए मुस्लिम समाज माशरे में सियासी माची समाजी तालीमी दीनी और आयली इनफरादी जितने भी इस्लामी तलमयात के तकाज़े हैं और जिनका अगर महवर अल्लाह के तात रसूल के तात को मनाएं उसका महवर बनाएं। अगर तोहैद को बनाएँ उसका महवर अगर सुनत की तबा को बनाएँ उसका महवर अगर उम्मीद इस्लामिया की मसाले मफाद के तहफ़ को बनाएँ तो यहाँ सब अक्सर फेल नज़र आती है इसके बावजूद बहुत से दावेदार हैं वहदत वहदत की बात करते हैं ख़ुद उनके यहाँ ये यह है कि कहीं सुन्नत का इंकार है कहीं सामा की तकफीफ़ है कहीं नफरस्तियाँ हैं कहीं खारजियत है और कहीं कत्ल खुरीजियाँ हैं तमाम खुराफात तमाम चीज़ें मौजूद हैं इसके बावजूद ऐसे लोग आगे आगे चिल्लाते हैं उनका अलग इतहाद का बयान है कि देखिए वदत की बात की जाए अच्छा ये ये भी नहीं समझते कि वत क्या है बेस क्या है खैर इसे आगे बढ़ें उसकी तशरीबाद में आ सकती है कि इसके विलारा के बाद दूसरी सबसे बुनियादी ज़रूरत यह है और तकाजा यह है वहदत का कि आपस में मुसलमानों के अंदर अख़वत की रिश्ता हो इस्लामी अखवत के बारे में अल्ला ने बयान फरमाया इन न ममिनों मुसलमान भाई भाई हैं दुनिया में कहीं किसी जगह हैं मुसलमान कलमा पढ़ते हैं तो हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होगा जगराफियाई सरहदें फ़िक्री सरहदें वसनी सरहदें या ये कि इंसान के अपने मबा तकाज़े जितने भी हो सकते हैं उन तमाम तकाज़ों को होते हुए भी हर मुसलमान भाई भाई है भाई भाई होने का मतलब ये होता है कि हमसे दूर ही क्यों ना हो लेकिन हमारे लिए उनके लिए मोहब्बत होनी चाहिए हमारे लिए उनके लिए तनास होने चाहिए हमारे लिए उनके लिए अगर दुआ करनी चाहिए हमारे उनके लिए एहसास अच्छे होने चाहिए जज्बा से होने चाहिए ये कम से कम है जो दूर भी हो और आपस में हैं करीब हैं तो हर खुशी गम शरीक होना है दिन की तरफ उनको लाना है और किसी तरह के बोग हसात जितनी शलबियात मनफियात होती हैं सबसे हमको दस्तबार होना पड़ेगा तीसरी बुनियादी चीज़ वदतर के लिए ज़रूरी है मसावत मसावत अगर हमारे पास मौजूद है यानी हर मुसलमान जो कलमा है हर चीज़ में एक दूसरे के लिए बराबर है इंसानियत में बराबर है दीन में बराबर है इज्जत आबरू में बराबर है माली हकूक़ के तहफ में बराबर है जितने हकूक़ हैं सब मुसलमानों के बराबर होंगे और उसमें उस मसावत में ऊँच नीच किसी का जोग्राफियाई आपस में ये अख्तिलाफ़ात जो हैं किसी तरह का तसुब इसमें गवारा नहीं है कोई आदमी काला गोरा हो इस तफावत की बुनियाद पर हकूक़ में बराबरी को ख़त्म नहीं किया जा सकता है आज जितने तसबात पाए जाते हैं तबकती मसलकी सियासी बेशुमार किस्म के आज तफावत हो जाते हैं और हर आदमी एक दूसरे से कट जाता है तो मसाव की बुनियाद पर हर मुसलमान दूसरे मुसलमान में दीनी हकूक़ दुनियावीक में सब बराबर होते हैं और उसको तस्लीम करना चाहिए उसको मानना चाहिए आज इस रास्ते में जितनी रुकावटें हैं वो बेशुमार रुकावटें हैं आज जगराफियाई रुकावटें हैं आज समाजी रुकावटें हैं आज मसले की रुकावटें हैं आज काले गोरे का तसुर है आज मफादा की बुनियाद पर लोगों ने अलग अलग दुकानें सजा रखी हैं ये तमाम हद तक खास तौर पर ये जितनी मलजमात तंजीमें हैं हर आदमी दिन का ठेकेदार बना हुआ है हर आदमी जन्मत का ठेकेदार बना हुआ है दूसरे की ताखिर की बात होती है समाजी बुनियाद पर देखिए कोई चाहे चोर है डाकू हो पैसा वाला हो गया उसकी बड़ी अहमियत हो गई और एक आदमी कितना मुखलिस हो दीनदार हो उसको ऐसा लगता है जैसे वो समाज माशरे का ठुकराया हुआ इंसान हो तो वहदत के लिए ज़रूरी यह भी है कि मसावत भी लोगों के अंदर मौजूद हो उसको दीनी तौर पर तस्लीम करें और तौर पर उसको पूरा करने की कोशिश की जाए तो एक वहदत की बात हुई मसाव ज़रूरी है वहदत के लिए तो मसावत अगर मौजूद नहीं है तो फिर इंसान वहदत का अगर दावा करता है तो ये सारी बातें झूठी होंगी मसाव के लिए ज़रूरी है तमाम चीज़ें तमाम दिन के मानी वाज हों और चौथी चीज़ जो बुनियादी तौर पर वहद के लिए ज़रूरी है वो है तनासु एक दूसरे के लिए हमदर्दी का जज्बा अनुसौली मुसलि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए खैर ख्वाही का जज्बा रखे आज ये जज्बात इंसान के कहाँ हैं आज मनफी जज्बात हर तरफ़ भरे हुए हैं दिलो दिमाग में आबाद हैं और जबानों पर कलमों में और अपने सरगर्मियों में इंसान इन्हीं मनफियात को लेकर जी रहा है हमदर्दी का जज्बा जैसे उठ ही गया है खैर का जज्बा जैसे ख़त्म ही हो गया है तो ये तनासव मनासात हमारे लिए ज़रूरी है पाँचवीं बुनियादी चीज़ तकाजा जो वहदत के लिए है वो है कि हम आदलानसाफ़ाफ़ क़ायम करें अल्लाह तदर्फ का हुक्म दिया उमन अदाबिलक इंसाफ ही की बुनियाद पर दुनिया कायम है अल्लाह ने फरमाया ज़मीन व आसमान इंसाफ की बुनियाद पर कायम है इंसाफ समाजी इंसाफ और इनफरादी इंसाफ हर तरह के इंसाफ यहाँ ज़रूरी है हती कि इंसाफ का तक इतना बढ़ जाता है कि सोरी इंसान जिससे भी तामुल करे इंसाफ का तकाज़ा यह है कि सही ढंग से जो हक़ है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे इसके मुकाबले में जुल्म है अगर इंसाफ़ हो तो जुल्म ख़त्म हो जाता है और आज अगर देखा जाए तो हजरत के लिए जिस तरह इंसान को इंसाफ के तकाज़ों को बुरकाल लाना ज़रूरी है आज हमारे माशरे में ज़ीरो के बराबर है कहाँ इंसाफ़ है इंसाफ किसी जगह है ही नहीं अब जो लोग ये दावा करें वहदत का और इंसाफ़ हो ही नहीं और ये कि हर आदमी अपने अपने खोल में गुम हो हर आदमी अपनी तंजीमात में अपने अपने दायरों में अपने अपने इदारों में अपने अपने कबीलों में अपने अपने घरों में अपने अपने बस्तियों में सिर्फ ये समझे कि बस हम जो कर रहे हैं वही सही है दुनिया में कितना जुर्म हो सितम हो हमसे कोई लेना देना नहीं तो वहदत कहाँ तो वजत के लिए ज़रूरी है कि समाज माशरे में इंसाफ़ हो क़िस्त हो आदल हो इंसान को अल्लाह ने जो बनाया हो खासतौर पर मुसलमानों को आदल उसके लिए ज़रूरी है अगर आदल इंसाफ समाज माशरे में मौजूद नहीं है तो वो समाज माशरा कभी तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता है इंसानी वसाइल उस वक्त बरकार होते हैं जब लोगों के अंदर आदल मौजूद हो अगर इंसाफ नहीं है किसी घर में किसी समाज में किसी मुल्क में तो वो लोग तरक्की नहीं कर सकते हैं इंसान के जितने इंसानी वसाइल जितने हैं वो सब खत हो जाते हैं इंसाफ़ की ज़रूरत इंसान को इतना है जितना इंसान को खाने पीने की ज़रूरत है जब इंसान को इंसाफ मिलता है तो उसका ज़मीर ज़िंदा रहता है जब इंसाफ़ नहीं मिलता है तो उसका ज़मीर मर जाता है इंसान का जब ज़मीर मर जाए तो फिर वो जानवरों की सतह पर उतार आता है या उसको उतार दिया जाता है फिर उस वक्त वहदत का क्या ताल्लुक़ रहे वह, वह रह जाता है और वहदत की बात कहाँ रह जाती है तो यह इस्लामी वहदत के लिए बुनियादी तौर पर इन पाँच चीज़ों को होना ज़रूरी है ये चीज़ अगर इंसान के अंदर आ जाए तब अल्लाह ताली की रहमत उसकी मेहरबानी इंसान के शामिल हाल भी होती है अल्लाह की तब मेहरबानी होती है जब इंसान अपने आप को आमादा कर ले इंसाफ के लिए तब वो दिलों को जोड़ता है सारी दुनिया के इंसान अगर मिलकर जोड़ना चाहें दिलों को और सारी दुनिया की दौलत खर्च कर दें फिर भी इंसान के दिलों को जोड़ा नहीं जा सकता है यह अल्लाह की रहमत ख़ास होती है कि इंसान के दिलों को जोड़ दिया जाता है अल्लाह ताला ने रसूल पाक को खिताब कर फ़रमाया अगर आप दुनिया की सारी चीज़ें खर्च कर दें तो भी दिलों को नहीं जोड़ सकते रसूल पाक को खिताब हुआ बल्कि हमारा शुभा की क्या बात है तो वजहत इस्लामी के लिए जहाँ इंसान अपने सारे तकाजे पूरा करे साथ ही साथ अल्लाह की मेहरबानी होती है ख़ास मेहरबानी तब दिल जोड़ते हैं तब व्यती इस्लामी मुकम्मल होती है ये तो एक खुलासा हुआ इस्लामी वदत के अहसास का तकादों का और उसके सही तस्वर का इसके बरक्स आज दुनियादारा निज़ाम में आज दुनिया प्रस्त दुनिया में ये देखा जाता है कि हर आदमी वत का दावेदार है पता नहीं वदत किस बुनियाद पर हो वो अपनी वत को इस्लामी तलमत को अल्लाह ताला के शरीयत को दीन को या कुरन सुन्नत को असाज नहीं बनाते हैं असास लोग अपने दुनियावी मफादात को बनाते हैं कहते हैं आओ शिर करते हो कोई मसला नहीं म्म करते हो कोई मसला नहीं है दीन से वावस्तगी नहीं है कोई मसला नहीं है बस आओ मिल जाएं ताकि दुनियावी मकासद हासिल हो जाए तो ये वहदत नहीं है इस्लामी वहदत इसको नहीं कहेंगे ये दूसरी शक्ल होती है जो आज दुनिया में वहदत की बात करते हैं चिल्लाते हैं लोग वो इस्लामी वहदत नहीं है बल्कि एहतियाजी वहदत है दुनियादाराना वहदत है इतरारी वदत है इसकी भी ज़रूरत है और इस्लामी वहदत के जो तकादे शराय हैं इंसान को पूरा नहीं कर सकता है और ना इस वक्त नहीं हो सकता है जिस तरह इंतशार खल्फशार है तो दूसरे दुनिया में जीने खाने के लिए ये जो असास बनाई जाए वहदत की मफादात आमा को मसाले इंसानियत को या मसाले मुसलमानों के मसाले को तो इसकी भी ज़रूरत है लेकिन इस्लामी इसको इस्लामी वदत नहीं कर सकते हैं इसको इस चरारी एहतियाजी वायदत कह सकते हैं तो इसके लिए भी कोशिश कीजिए लेकिन इसके लिए भी शर्त है कि आदमी जो मफाद आमा है मुसलमानों के लिए उसको समझे और जाने उसके लिए कुर्बानी दे नफ परस्ती उसके अंदर नहीं होनी चाहिए मफाद परस्ती होनी नहीं चाहिए तो ये भी हासिल हो सकती है चीज़ लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुसलमानों के अंदर इतना जोफ़ और कमज़ोरी आ चुकी है सलाहियतें नहीं हैं कि इस वायदे को भी पूरा कर सकें हिंदुस्तान में जब से मरकजी हुकूमत गई मग़लों के बाद फिर उसके बाद बेशुमार मेहनत कोशिश की गई सबसे पहले तो वो शहीद की मेहनत तो कोशिश हुई कि सारे बर शरीर के मुसलमानों को मुतहद कर दें और सारा निज़ाम इस्लामी नाफिज करने की कोशिश करें उन्होंने सौ साल मेहनत होती रही कोशिश रही लेकिन उसके बाद जैसे और ज़्यादा इख्लाफत पैदा हो गए पहले तो इस बेच शक्ल थी भाई अच्छा जितने मुल्क हैं एक मसल के हैं एक ही शक्ल में हैं चाहे वो सही हो या गलत हो शिरक हो विदात हो तस्व हो सब चल रहा था उसके बाद तो ढंग ढंग की इदारे कायम होने लगे ढंग ढंग के अपने ज़ाती मसाइल को लेकर के इख्तलाफ पैदा होने लगे ढंग ढंग के नज़रिए तस्वरत और तो मसलकें कायम होने लगें कहीं ये मसलक है कहीं वो मसलक कहीं वो मसलक है उसके बाद फिर भी सब के बाद ये कोशिश की गई कि एक मुशतर प्लेटफार्म हो का प्लेटफार्म कायम किया जाए और वहाँ से तमाम मुसलमानों के बरे सगीर के मसाइल को हल किया जाए सबसे पहले कोशिश हुई मिसाल के तौर पर अहम कोशिश अट्ठारह सौ नबे में उसके बाद वो कोशिश इधर उधर खिसकती रही खिस रही बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पाया और उन्नीस सौ चौदह में एक खानदान पर कब्ज़ा कर लिया उन्नीस सौ बीस में एक दूसरी तंजीम कायम हुई तमाम मुसलमानों के मसाइल हल करने के लिए फिर दूसरे खानदान पर कब्जा कर लिया आज उसी पर जी खा रहे हैं फिर उसके बाद ये सब भी ख़त्म हो गया प्लेटफार्म मुस्लिम मंजिल से मशात कायम हुई फिर उसको भी आज कुछ और दूसरे लोगों के अपने हाथ में हो गया उसकी कोई है नहीं रहेगी फिर उसके बाद एहसास व शौर हुआ उन्नीस तो सौ बहत्तर में एक प्लेटफार्म कायम हुआ उसको कायम होने के बाद कुछ दिन चला एक ग्रुप का कब्जा हो गया फिर उसके बाद चार मुस्लिम बोर्ड कायम हो गए हैं तो ये मेहनत तो कोशिश की गई शौर हुआ एहसास हुआ लेकिन दीनी तकाज़ों हत्या कि इस दुनियादारा वहदत के लिए भी हती कि इस दुनिया दाराना वहदत के लिए और दुनियावी मफाद के हसूल के लिए या इससे ज़्यादा कह सकते हैं कि मिली मफाद के हसूल के लिए कोशिश की गई शोर रहा मुसलमानों के अंदर वहदत चाहिए इस्लामी तसूर तो नहीं रहा लेकिन ये तसूर ज़रूर रहा कि अच्छा मिलत के मफाद का तहफ़ किया जाए और मिलत के मफाद में बहुत सारी दिन की बातें आ जाती हैं मुसलमानों की अपनी शनाख्त का मसला हो मौजूदा दौर में ख़ासतौर मुसलमानों के अपने तालीमी तलीक़ का मसला हो मुसलमानों के वजूद का मसला हो मुसलमानों पर दीन के लिए जितनी गुंजाइश हो सकती है इस मुल्क में या जहाँ भी मुस्लिम अकलीत में हों तो वह तमाम गुंजाइश उस पर अमल करने की बात हो सियासी मुसलमानों के जो हकूक़ रखते हैं उसके तहफ़ की बात हो तो ये सब तो जितने हैं मफादे अम्मा के हैं, हैं और मुश्तरक मफादत हैं इसके लिए कोशिश होनी चाहिए लेकिन आज तक इसके लिए भी इस दुनियावी वदत के लिए या एहतियाजी वहदत के लिए भी हमारे अंदर इतनी आमादगी नहीं है कि किसी तरह हम अपने आप को संवार सकें बना सकें जिधर देखो उधर हर तरफ बिखराव है जिधर देखो उधर हर तरफ इंतशार और खल्फशार है और दिन बदिन मफाद ज़ातिया के लिए दुकानें खुलती चली जा रही हैं दीन को बेचने खाने और दीन के नपर दौलत कमाने के लिए ऐसी हौड़ बाजारी है कि ऐसा लगता है जैसे दीन को छोड़ के भागे चले जा रहे हैं बेताशा और दीन से कोई लगाव और मोहब्बत के लिए और या उसके तहफ़ के लिए कोई आमदगी ही नहीं रह गई है अच्छा इसके बावजूद भी इसको भी वजरत इस्लामी के नाम देते हैं बिग इसको अगर व्यति इस्लामी के नाम दें इंतशार को खलफशार को और दुनियाई मफादात को और दीन की बुनियादों को छोड़ दें तो वो तो इतिहाद में इलाद हो जाता है ये वहदत जो इतना हसास मौजू है और जिसकी तलीमत वाजह है किताब सनत में उसको भी इस अंदाज से डील किया जाता है कि अवल तो जैसे फ़र्क समझते ही नहीं लोग जो आज चिल्लाते हैं वत के नाम पर और वहदत के जो असास है इस्लामी उसको नज़रअंदाज करते हैं तो ऐसे लगता है दीन की वहद को समझते नहीं हैं बस जाति और मादी मफादात के हसूल ही के लिए सब कुछ बाग दौड़ है उसी को इस्लामी वहद कहते हैं तो अगर एक तरफ यह है कि इस्लामी वहदत का सही तस्वर किताब सुनत मौजूद है दूसरी तरफ यह है कि उसके लिए कोई तैयार नहीं है ना उसकी सलाहियत रही गई है ना उसके अंदर के लिए आमादेगी किसी के अंदर इस्लामी वहदद के लिए कोई कोशिश ही नहीं है हालाँकि क्यामत तक के लिए हर हर फर्द के ऊपर यह वाजिब है कि इस्लामी वहदत को समझे उसके असूल वब्ते को जाने उसके तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश करे क़्यात तक हर फर्त पर यह फरीजा है लेकिन वह तमाम उसूल ज़ाबतों को छोड़ करके एहतियाजी वहदत दुनियावी वदत को ना अख्तियार कर रखा है और उसको पूरा करने के लिए तकों को पूरा करने के लिए भी इंसान के अंदर दमखम नहीं मुसलमानों के अंदर और ज़बरदस्ती तीसरा स्टेप ये होता है कि इसको इस्लामी वहदत कहते हैं अब अगर इसको इस्लामी वहदत कहेंगे तो ये तो इस्लामी वहदत नहीं हुआ इसको इस्लामी तैयार नहीं कहा जाएगा इस तो इराद हो जाएगा कि आप अपने मनमानी दुनिया भर की सारी खुराफा सारी बुराइयां सारी खराबियों को अडॉप्ट कर लिए हैं और उसको शरीयत का दर्जा दे रहे हैं जवाब का दर्जा दे रहे हैं और इस्लामी वहत करार दे रहे हैं तो ये जो तस्वर है आज वत का और उस सिलसिले में जो दूसरा स्टफ है मबाह के दर्जे में हो सकता है एहतियाजी वहदत दुनियावी वदत उसको तीसरे स्टम में ऐसा उसको अहमियत आहम, दी जाती है जिसके यही असल इस्लामी इतिहाद है तो इसको ये माना पहनाना कि दुनियावी मबाह इतिहाद को दीन का दर्जा दे देना और वो इस्लामी वहदत करार देना जो फ़र्द वाजिब है हर फर्द पर तो ये कोशिश तो इलाद की बात हो जाती है तो जाने अनजाने ऐसी वहदत के नाम पर ऐसा बयानिया आज के ज़माने में बन गया है कि वो बयानिया मुकम्मल तौर पर दीन के मुखालिफ है इस बयानिए को अगर मान लिया जाए तो ये गैर मतलब ये है कि दीन को दीन के तकाजों को इस्लामी वहदत के असूल को जवाबीत को किनारे लगा दो और उसे कोई मतलब नहीं और अपनी मफाद परस्ती के लिए अपनी दुनियावी मकाद को हासिल करने के लिए अलग सा एक ढांचा एक फ्रेम बना लो उसी में जीने की कोशिश करो और इससे बड़ी मुसीबत यह है कि इसको मबा इस वहदत को भी पूरा करने की सलाहीय नहीं और उस पर ज़बरदस्ती लेबल लगाया जाए कि इस्लामी वहदत है तो आज जो किस्म किस्म का बयानियाँ इस समझ माशरे में आते रहते हैं इस्लामी वहदत के नाम पर और वो लोग इस्लामी वहदत अपनी जाति मफादात की शक्ल को करार दे रहे हैं ये दीन के साथ खिलवाड़ के सवाल कुछ नहीं है और मुसीबत यह है कि आज की मादा प्रस्ताना दुनिया में बहुत से पढ़े लिखे लोग भी ऐसा समझते हैं कि जैसे ये लोग कितने ज़्यादा समझदार हैं जो अपना बयानिया महदत का लेकर आते हैं ऐसा अंदाज़ अख्तियार करते हैं जैसे अब इसके सवार कुछ है ही नहीं है इस्लामी वहरत को भूल जाओ और दुनियावी हदत को अख्तियार कर लो इसी के लिए मेहनत करो और इसी को सब कुछ मान लो तो ये इंतहाई गलत बयानिया है इंतहाई बुरा बयानियाँ है इतहाई गुमराह बयानिया है हमेशा अगर नहीं कर सकते हैं फिर भी इस्लामी वदत के असूल को तकाज़ों को ज़रूरतों को समझना और इम्कानी हद तक हर फ़र्द को कोशिश करना चाहिए ताकि अल्लाह ताली के सुरखरू हो सके अल्लाह ताली हम सबको इस्लामी वहदत के सही तस्वर और तालीम को समझने और उस पर अमल करने की तोफ़ी तथा फरमाए और इनफरादी हद तक भी जिससे जितना मुमकिन हो उसकी चाहिए कि कोशिश करे कि इस फरीजे को पूरा करे और अल्लाह ताली के यहाँ सुरख रू अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन